हिंदू धर्म में सिर पर चोटी शिखा क्यों रखते हैं? मित्रों, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार सभी धर्मों की अपनी मान्यता, रीति रिवाज व नियम है। अब क्योंकि हिंदू धर्म विभिन्न वर्गों और समूहों में बटा है, उसके मुताबिक सभी की पूजा, कर्म कांड और यज्ञ आदि कार्य किए जाते हैं। लेकिन आपने हिंदू धर्म में देखा होगा कि बहुत से लोग सिर पर चोटी रखते हैं। अब चोटी क्यों रखी जाती है या इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर। जब हम किसी व्यक्ति को चोटी रखे देखते हैं तो उसे पुराने या कट्टर सोच वाला मान लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि चोटी रखने का सुश्रुत संहिता में कारण है, महत्व है और एक पूरा नियम है। यहाँ चोटी के महत्व और उसके वैज्ञानिक वजह भी बताई गई है। इस संहिता में ये भी उल्लेख है कि चोटी सिर पर कहाँ और कितनी रखनी चाहिए। आपको बता दें कि सिर में सहस्रार की जगह पर चोटी रखी जाती है, यानी सिर के सभी बालों को काटकर बीचों बीच के स्थान के बाल को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इस जगह के ठीक 2 से 3 इंच नीचे आत्मा का वास होता है। भौतिक विज्ञान के अनुसार ये मस्तिष्क का केंद्र है। वहीं विज्ञान के मुताबिक ये शरीर के अंगों, बुद्धि और मन को नियंत्रित करने की जगह भी है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने सोच समझकर चोटी रखने की प्रथा को शुरू किया था। सिर के बीचों बीच में चोटी रखने से मस्तिष्क का संतुलन बना रहता है। शिखा रखने से इस सहस्रार चक्र को जागृत करने और शरीर, बुद्धि व मन पर काबू रखने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में बताया गया है कि चोटी की लंबाई और आकार गाय के पैर के खुर के बराबर होनी आवश्यक मानी गई है, जबकि आज के दौर में इसका ध्यान नहीं रखा जाता। प्राचीन काल में किसी भी शिखा काट देना मृत्यु दंड के समान माना जाता है। वहीं मिशन विचार क्रांति शांति कुंज के मुताबिक जिस जगह पर शिखा यानी चोटी रखने की परंपरा है, वहां पर सिर के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी की जगह होती है। और विज्ञान ये सिद्ध कर चुका है कि सुषुम्ना नाड़ी मनुष्य के हर तरह के विकास में महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। चोटी सुषुम्ना नाड़ी को नुकसानदायक प्रभावों से बचाती है और ब्रह्मांड से आने वाले सकारात्मक तथा आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण भी करती है। अब आपको बताते हैं चोटी रखने के ज्योतिषीय लाभ। जिस किसी की भी कुंडली में राहु खराब असर दे रहा है तो उसे माथे पर तिलक और सिर पर चोटी रखने की सलाह दी जाती है। किंतु यदि ऐसा नहीं है तो चोटी रखना हानिकारक भी हो सकता है। अब चलिए जानते हैं कि चोटीधारी और जटाधारी में अंतर क्या है। प्राचीन काल में जो कर्म कांड, संस्कार आदि को संपन्न कराता था, उसे चोटीधारी कहते थे। उसके सिर पर केवल चोटी ही होती थी। वहीं जो धर्म, शिक्षा और दीक्षा का कार्य करता था, वो दाढ़ी और जटाधारी होता था। परंतु कालांतर में समाज के ये बंटवारे बदलते गए। तो मित्रों, अब आपको बताते हैं क्यों होता है चोटी रखना घातक। वर्तमान दौर की बात करें तो आज फैशन के चलते भी कई पुरुष महिलाओं की तरह लंबी चोटी रखने लगे हैं और ये बिल्कुल अनुचित है। शिखा बंधन और विधान को जाने या उनका पालन किए बगैर चोटी रखना सही ही नहीं बल्कि घातक भी हो सकता है। हालांकि शोधों के अनुसार घने बालों के बीच भी चोटी कुछ विशेष परिस्थिति में रख सकते हैं। यदि गुरु अच्छी स्थिति में है तब भी चोटी रखना घातक सिद्ध हो सकता है। अब क्योंकि हमारे सिर और पैर की जगह पर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव का असर होता है, इसीलिए तो दक्षिण में पैर करके नहीं सोते, क्योंकि जिस तरह से दक्षिण से उत्तर की तरफ ऊर्जा का प्रवाह जारी है, उसी तरह हमारे सिर से पैर की तरफ ऊर्जा प्रवाहित होती है। हमें इस सिद्धि को समझकर ही चोटी रखना चाहिए, वरना ये कभी भी घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सिर पर चोटी रखने की सही जगह उचित लंबाई और आकार को समझकर ही चोटी रखें। और हाँ, चोटी में कब गठान बांधी जाती है और कब खोली जाती है, ये भी पहले समझना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि स्नान, दान, जप, हवन आदि करते समय शिखा बंधी होनी चाहिए। वहीं भोजन, लघु शंका, दीर्घ शंका, मैथुन व मुर्दा ढोते समय चोटी खोल देनी चाहिए। घने बालों में शिखा रखना चाहिए या नहीं, ये भी किसी से पूछकर ही रखें। तो कहा जाता है कि चोटी रखने को फैशन न समझे। तो मित्रों, आपने जाना कि हिंदू धर्म में सिर पर चोटी या शिखा को क्यों रखते हैं या चोटी रखना घातक क्यों है। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। और हाँ, अब आप हमारे वीडियोस को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जहाँ फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स पर।